So the film actually took it to, do you want me to look here? Okay, so the film actually took about, in total it took about 4 years to make. And there was a lot of work, a lot of research, a lot of effort, a lot of time that went into it because it is such a complicated story. And it was very important for me to make a story that was very non-judgmental and fair. So it was a long, long process. In terms of releasing films theatrically, in terms of releasing documentaries theatrically, ये तो बहुत कम होता है यहाँ पे ना. तो अभी शुरू हो रहा है ये सब. तो इसके लिए हमको धीरे धीरे करना है. हमको धीरे धीरे मार्केट बनाना है डॉक्यूमेंट्रीज का. तो इसलिए ये थोड़ा सा वो तीन चार फिल्म पहले आए हैं डॉक्यूमेंट्रीज. तो हम एक सूरत हम थोड़ा सा वो पायनियर्स है एक नया इंडस्ट्री का यहाँ पे. खुशबू टेक about this film, The World Before Her. It's a beautiful, stunning film. I've already seen it actually because I wanted to promote it and do an interview on it. So it's a beautiful, very, very powerful documentary, and I'm looking forward to seeing it again, and I hope that this film really reaches out to a lot of people. Main Nisha ko janti hu, the director of this film, so I've come for her. Not for Anurag? No. This is not Anurag's film, he's presenting it. I've been in touch with a couple of years ago for the first time, and I think it's fantastic that they're putting things out there for women and supporting women's rights and women in the industry. थोड़ा अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है एंड आई ट्रस्ट निशा एज अ डायरेक्टर अ लॉट. उसने हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल तरीके से पोर्ट्रे की है एंड आई होप दैट ये सारी भारत को ही नहीं सारे वर्ल्ड को इंस्पायर करे हमारी कहानी. भारत में इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं इनफैक्ट जो जहाँ बच्चे सिंगल पेरेंट से दे आर ब्रॉट अप बाय सिंगल पेरेंट्स. इज जस्ट दैट I reached a level after Miss India. मेरी कहानी light में आई and fortunately a lot of people have taken it as an inspiration. तो हाँ usual कहानी तो है but unusual भी है in a lot of ways because of the grace of God. Okay. It's the best day today for me because my mother's here. Mama, please come. ये कारण है कि हम सब लोग आज यहाँ हैं ये डॉक्यूमेंट्री के लिए एंड इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी. ये मेरी स्टोरी नहीं है ये इनकी स्टोरी है जो आप सब लोग देखेंगे आज. सो मम्मी प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. हर माँ अपने बच्चों को पालती है. मैंने कोई एहसान नहीं किया है बट यस आज मेरे से ज़्यादा कोई घमंडी मैं बोलूँ आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड कि सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत गर्व हो रहा है मेरी बेटी पे जिसने खाली इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम किया है मेरा. और यस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और आप लोग की वजह से इतना हमको और मेरी बच्ची को प्रोत्साहन मिला. ये मैं सच्ची बोल रही हूँ कि यू वर द गाइज हु रियली ट्रस्टेड अस और हमें कवर किया या बहुत अच्छे वे में. तो उसके लिए मैं सब मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ
थैंक यू एवर सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. पीला वाला तुम्हारे पकड़ लोगे भाई, और कुछ नहीं, एहसान होगा. थैंक यू. अरे नहीं है बस के सर. अरे हट जाना फोटो. हो गया चलो. नहीं यार.